हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रणपर एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन नंबर तो आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, पिछले जैसा ही क्वेश्चन है। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं और उसी अप्रोच से इसको भी बनाने वाले हैं ताकि आपका प्रैक्टिस वो क्वेश्चन भी स्ट्रांग हो जाए और इस क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 157 मीटर स्क्वायर। मतलब क्या है, दो अलग अलग स्क्वायर है जिनका एरिया का सम कितना है, 157 मीटर स्क्वायर बोला गया है, पिछले जैसा ही है, ठीक है। इफ द सम ऑफ देयर पेरीमीटर इज 68 मीटर, मतलब क्या कि दोनों एरिया, दोनों स्क्वायर के पेरीमीटर का जो सम है 68 मीटर है। फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर, मतलब वो जो स्क्वायर है दोनों, उनका क्या करना है, साइड फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो फाइंड करना है उसको हम लोग कुछ एज्यूम कर लेते हैं। तो लिखेंगे लेट द साइड ऑफ फर्स्ट क्या स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर भी कितना एक्स मीटर मान ले, तो कोई दिक्कत क्या नहीं ना। उसी टाइप से सेकेंड का क्या करेंगे, साइड ऑफ द सेकेंड स्क्वायर कर लेंगे, वाई मीटर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द एरियाज, एरियाज मतलब क्या, फर्स्ट स्क्वायर का अगर साइड एक्स है तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर लिख ले, तो कोई दिक्कत क्या। उसके बाद बोला जा रहा है सम टर्म आ रहा है, इसका मतलब कि एड हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड का क्या, एरिया इक्वल टू कितना बोल रहा है, मेरे पास 157 बोल रहा है, ठीक है। तो बस काम खत्म, उसके बाद क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। फिर से क्या बोला जा रहा है, इफ द सम ऑफ देयर मतलब क्या कि सम ऑफ देयर पेरीमीटर्स, मतलब क्या कि उन दोनों का जो पेरीमीटर है उनका सम कितना बोल रहा है, 68 मीटर बोल रहा है, ठीक है। हम लोग को पता है स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है, तो 4 और फर्स्ट का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 4 इंटू एक्स कर ले क्या, ये फर्स्ट के लिए पेरीमीटर हो गया। उसके बाद सम वर्ड यूज कर रहा है तो बस यहाँ पे भी प्लस कर देंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, सेकेंड का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 4 वाई कर ले, तो कोई दिक्कत क्या, इक्वल टू 68 मीटर दे रहा है, ठीक है। कुछ मत कीजिए, इधर से 4 को कॉमन लेकर उधर कर दीजिए, कट जाएगा, ठीक है। तो x plus y इक्वल टू 4 उधर गया तो कितना आ जाएगा, ये सबसे पहले 1 टाइम्स में कट जाएगा और ये 7 आ जाएगा, ठीक है। ये 7 आ गया ऐसा, और पिछले जैसे ही अप्रोच करेंगे, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के फॉर्म में है, तो और यहाँ पे x plus y है, इसको 1 मान लेते हैं, x प्लस वाई है, तो कुछ ऐसा कर ले कि x माइनस वाई आ जाए, तो कोई दिक्कत क्या। तो बस वही अप्रोच को अपनाते चलेंगे, मेरे पास सबसे पहले x प्लस वाई दिया गया है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर लेते हैं। होल स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का यूज हम लोग को करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, प्लस साइन दीजिए। उसके बाद x माइनस वाई इसलिए कर रहे हैं ताकि x माइनस वाई के फॉर्म में कुछ अगर टर्म आ जाएगा तो वो मेरा आसान हो जाएगा, ठीक है। और प्लस ही क्यों किए, प्लस इसलिए किए क्योंकि आगे हम लोग को रिजल्ट, मतलब क्या आगे पता चलेगा कि हम लोग यहाँ पे प्लस क्यों किए, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला काम करते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई हो जाएगा क्या, ठीक है। प्लस है तो प्लस दे दीजिए, ठीक है। अब x माइनस वाई का होल स्क्वायर का लगा दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई। अब आपको पता चल रहा होगा कि प्लस क्यों किए, प्लस इसलिए क्यों किए क्योंकि यहाँ पे माइनस आ जाता, ठीक है, और अगर माइनस करते तो ये साइन चेंज हो जाता, प्लस प्लस हो जाता तो कटता नहीं, तो अब इसको आसानी से काट दीजिए, ठीक है। प्लस करने का मकसद पता चल गया। अब चलिए यहाँ पे x प्लस वाई है, तो अगर यहाँ पे 17 है तो 17 लिख ले क्या, और इसका स्क्वायर लिख लीजिए, प्लस साइन है तो प्लस दे दीजिए, x माइनस वाई है तो बस यहाँ पे x माइनस वाई कर लीजिए, उसका होल स्क्वायर कर लीजिए, इक्वल का साइन है इक्वल कर लीजिए। अब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बदले 157 लिख ले तो कोई दिक्कत क्या, 157 लिख लीजिए, ठीक है। फिर से ये प्लस, ये साइन चीज तो कट चुका है, फिर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो फिर से प्लस 157 लिख ले तो कोई दिक्कत क्या नहीं ना।
तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 7 7 14 हो जाएगा, और ऐसे एक रिमाइंडर देगा 10 और 11 और 11 हो गया और एक इधर देगा तो ये मेरे पास 314 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास, इसका वैल्यू अगर लिखना चाहे तो 289 लिख ले तो कोई दिक्कत क्या, 17 का स्क्वायर 289 लिख ले तो कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत क्या। ठीक है, आप कुछ मत कीजिए, इस वैल्यू को उधर करिए। ठीक है, तो इधर तो ये रही जाएगा, ठीक है ऐसा। ठीक है, इक्वल का साइन, ये इधर क्या है मेरे पास 314 है, तो ऐसा लिख लीजिए, इस टर्म को उधर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास माइनस में आ जाएगा, कितना आ जाएगा 289। ठीक है, और इसको अगर सब्ट्रैक्ट करना चाहे तो कितना आ जाएगा, सबसे पहले मेरे पास ये 5 आएगा और ये उधर ऐसा गया, ऐसा गया, तो कितना आ जाएगा, ये मेरे पास 2 आ जाएगा। मतलब क्या, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। तो अगर हम लोग यहाँ से स्क्वायर हटा के इधर रूट भेजें तो मेरे पास x माइनस वाई इक्वल टू 5 हो जाएगा। क्या, कैसे, हम लोग ने कुछ नहीं किया, x माइनस वाई का होल स्क्वायर था इक्वल टू पर 25। ठीक है, तो स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या आ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, रूट ओवर 25। 25 का रूट क्या होता है, 5 होता है। तो बस वही काम किए हम लोग यहाँ पे सेकेंड लिख दिए। ठीक है, अब कुछ मत कीजिए, एलिमिनेशन मेथड लगा, यहाँ पे प्लस वाई है, यहाँ पे माइनस वाई है, दोनों कट जाएगा अगर ऐड कर देंगे तो, और क्या आ जाएगा, हम लोग को x के टर्म में वैल्यू मिल जाने वाला है। तो लिखिएगा, y एलिमिनेशन मेथड, यहाँ पे लिखिए y एलिमिनेशन, ये आप पूरा लिखिएगा। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, फर्स्ट प्लस सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट प्लस सेकेंड, चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट प्लस सेकेंड कर देंगे। तो सबसे पहले x प्लस वाई लिख लीजिए, ठीक है, इक्वल टू कितना है 17 है, और सेकेंड कितना है x माइनस वाई है इक्वल टू कितना है 5 है। ठीक है, ये कट जाएगा आसानी से, 2x इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, ये आ जाएगा मेरे पास 22। तो x का जो वैल्यू आ जाएगा 22/2 इक्वल टू 11 लिख लें क्या, मतलब x कितना आ गया 11 आ गया, मतलब फर्स्ट स्क्वायर का साइड कितना आ गया 11 आ गया। अब कुछ मत कीजिए, इस x की वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड किसी एक में पुट कर दीजिए, y का वैल्यू आ जाएगा। तो आप लिखेगा आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट वी गेट, ठीक है, x की जगह 11 रख लें क्या, तो 11 रख लीजिए, प्लस साइन है, प्लस साइन कर लीजिए। ठीक है, y है तो y कर लीजिए, इक्वल का साइन 17 है तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 17 - 11 कितना आ जाएगा, ये मेरे पास 6 हो जाने वाला है। तो मतलब क्या, फर्स्ट साइन स्क्वायर का साइड कितना हो जाएगा 11 से मीटर हो जाएगा। ठीक है, मीटर इसलिए क्योंकि यहाँ पे मीटर स्क्वायर में टर्म था। ठीक है, 11 मीटर हो जाएगा, और सेकंड का कितना हो जाएगा 6 मीटर आंसर हो जाएगा।